हेलो एवरीवन बच्चे, हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल तो सिलेबस से हटा दिए हैं, बट इसके करेक्टर और एक लाइफ साइकिल आपको करना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को बताया है, जैसे आप बता रहे हैं कि जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं तो वो एंजियोस्पर्म डिवीजन में आएंगे। बच्चे, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। देन बता रहा है कि दे आर एक्सेप्शनल लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, द रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक दैट इज़ वल्फिया टू टॉल ट्री यूकलिप्टस दैट इज 100 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था बच्चे, हमने आज देखना था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हमने डिस्कस किया था क्लास में, फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, राइट। बता रहा है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है स्टेमन कहलाता है फ्लावर के अंदर, और ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट विद अ एंथर, ठीक है, एट द टिप। विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस इनसाइड द माइक्रोस्पोरिंजियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मैच्योर इन टू पोलन ग्रेन, ठीक है बच्चे। मैच्योर होंगे माइक्रोस्पोर, माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन, जिनको हम लोग मेल गैमेट बोलेंगे। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन फ्लावर दैट इज इन द पिस्टल, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्वेलन ओवरी as its base and long cylindrical style and stigma, that three component to add and form a pistils. One stigma, that is a landed part, and style stalk part, that is style, and that is a bulgy part which is ovary. At its base a long cylindrical style and stigma. Ovary contain ovules, we can say carpel, and ovule has a megaspore mother cells, ठीक है, दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर, टू फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर। थ्री ऑफ देम गेट डिजेनरेटेड एंड वन डिवाइडेड टू फॉर्म कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक दैट इज 7 celled 8 nucleated स्टेज। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 celled egg apparatus, 1 cell and 2 synergids, ठीक है, दैट इज एग apparatus। 3 antipodal cells where 2 polar nuclei, the polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus, which is much more important. Embryo sac contain 7 celled 8 nucleated stage, right, and then pollen grain dispersed from anther are carried by any pollinating agent, whether it is there wind as well as water, other agencies to the stigma or pistil, it is called pollination, right. Pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tube, है ना, वेयर इट इज़ ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच इज टू द ओव्यूल्स। देन द पोलन ट्यूब एंटर इन द एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब अब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी और 2 male gamete उसमें प्रेजेंट होंगे और डिस्चार्ज भी कर देगी। 2 male gamete एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब डिस्चार्ज करेगी, 1 male gamete फ्यूज विद एग सेल्स साइमल्टेनसली फॉर्म जाइगोट प्रोसेस इन गैमी, द साइमल्टेनसली द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पर बच्चे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट है, तो एक फर्टिलाइजेशन से हमारा जाइगोट बनता है और उस जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेकेंड मेल गैमेट के पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होने के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है उसको जाइगोट यूज़ करता है और अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू फ्यूजन्स दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया बच्चे, आपका एक सिनगेमी और एक आपका ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों इवेंट्स को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चे। द जाइगोट डेवलप इन टू एम्ब्रियो विद 1 or 2 cotyledons, ठीक है। जाइगोट जो है जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसके पास 2 cotyledon होते हैं जिनमें फूड स्टोर होती है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इन टू एंडोस्पर्म्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बता रहा है साइनर्जिट्स एंड एंटीपोडल डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इन टू सीड्स एंड द ओवरी डेवलप इन टू फ्रूट्स, ठीक है बच्चे। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास है लाइफ साइकिल, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें देखनी है। द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाई फ्रूट्स, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेक्ड, नॉट इनक्लोज्ड बाई द फ्रूट, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा कंप्लीट फ्लावर है, ये हमारे पास एक कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर बेटा
इसके अंदर हमारे पास इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या दिखता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर फ्लावर जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसमें आपको दिखेगा ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, और ये वाला पार्ट जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन ये आ गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये आ गया मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर स्टिग्मा होगा जिसने पोलन को रिसीव करना होता है, और ये स्टाइल आ जाएगा बच्चे, ठीक है, जिसमें पोलन ट्यूब को ग्रो करना है, और ओवरी है बच्चे जहाँ पर क्या होगा ओव्यूल फर्टिलाइज होकर सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो इन तीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीन पार्ट को हम लोग पिस्टल बोलेंगे। अब ये आ गया एंथर और ये आ गया फिलामेंट, फिलामेंट होल्ड करता है एंथर को, और एंथर और फिलामेंट मिला के क्या बनता है आपका स्टेमन वाला पार्ट बनता है, क्या बनता है स्टेमन, और बहुत सारे स्टेमन जो होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनता है एंड्रोशियम बनता है, क्या बनेंगे एंड्रोशियम बनेंगे, राइट। देखो बच्चे अब इस एंथर के अंदर बच्चे क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज्ड होगा। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बच्चा होगा बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और मियोसिस होकर क्या बनाएगा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगा। अब ये जो बच्चे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं तो इन हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में होगी माइटोसिस, इनमें क्या होगी बच्चे माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस होगी है ना, इसमें होगी माइटोसिस और बनेगा हमारा माइक्रोस्पोर जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब इस पोलन ग्रेन में ये जो पोलन ग्रेन है तो इनमें फर्दर माइटोसिस होकर क्या बनेगा मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। ये जो मेल गैमेटोफाइट है नंबर कितना है इसका बच्चे, दो है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, देखो ये एक साइड क्या बन गया मेल गैमेटोफाइट बन गया, अब इधर हमने बनाना फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो से, देखो कैसे, ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है जिसको ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब ये जो ओव्यूल है बच्चे तो ये ओव्यूल क्या बनाएगा हमारा, ओव्यूल बनाएगा एम्ब्रियो से, क्या बनेगा एम्ब्रियो से। तो ये जो एम्ब्रियो से के बच्चे तो इस एम्ब्रियो से के अंदर एक एग होता है, दो सिनर्जिड सेल्स, दो पोलर न्यूक्लियस और तीन एंटीपोलर सेल, ठीक है। तो अब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ, तो सेंट्रल सेल फ्यूज करके बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये जो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो बनाएगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म जो है उसका यूज़ करेगा जाइगोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी और इससे हमारा कंप्लीट प्लांट बन जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है एंडोस्पर्म के रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कितने क्वेश्चन हैं बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने कौन कौन से मेजर करेक्टरिस्टिक्स के याद करने हैं वो यहाँ पर बताया, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 2 पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आ गया ये लीवर वॉट का आपने करना, मोसिस का, फर्न का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, ठीक है बच्चे। और फिर आप लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसमें लाइफ साइकिल फर्न, जिसको हम ड्रायोप्टेरिस कहते हैं, तो फर्न का लाइफ साइकिल भी आप लोग करेंगे बच्चे, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन, ये फर्न का लाइफ साइकिल आ गया, फिर आप लोग ये सारी टर्म्स करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनिमल सेल मास वाला ये सब करना आपने, याद रखनी है चीज़ें, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत याद रखोगे आपने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अलगा की करोगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अलगा की करनी है, जो आपको समझाई है अपनी नोटबुक पे लिखनी है, जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता, ठीक है, ठीक है। हेटरोस्पोरी क्या होता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चे, हेटरोस्पोरी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। प्रोटोनीमा, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, डिप्लोंटिक, स्पोरोफिल, आइसोगेमी, ये सब पढ़ो, ठीक है, ये सब की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा का डिफरेंस तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने से ही क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 करोगे तो उसी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बच्चे, ठीक है। और लीवर वॉट और मोसिस का डिफरेंस करो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की एग्जांपल करो। सिनगेमी ट्रिपल फ्यूजन अभी हमने कर लिया है बच्चे, द प्रोसेस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल्स इन एन एंजियोस्पर्म,
सिनगेम, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस दो थी उसको डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस मिले, ठीक है, इन एन एंजियोस्पर्म। करेक्टरिस्टिक मोनोकॉट और डाइकॉट का आप लोग करोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में ये एग्जांपल करनी है और 12 क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म्स के करेक्टरिस्टिक करोगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक, ठीक है, जो आपकी नोटबुक पे होना ही चाहिए, नोट्स प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन अप टू 3 चैप्टर्स। थैंक यू बेटा।